पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित चुनाव कोषांग में नामांकन अपना दाखिल किया। इसके पूर्व इन्होंने गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के पैर छूकर आशीर्वाद ली। गांडे विधानसभा उपचुनाव में ईडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा निर्वाचित पदाधिकारी डीएसओ गुलाम समदानी के समक्ष दाखिल की। बता दें कि कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव का मतदान तिथि 20 मई को सुनिश्चित हो चुकी है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसी के तहत महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले नामांकन कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ माजी मंत्री विधायक सुदेव सोनू आदि मौजूद थे।